हेलो क्लास एट स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। टुडे वी स्टडी अबाउट साइंस, लेसन टू, पार्ट टू। पार्ट टू में आगे का रीड करेंगे। टॉपिक है फंगाई। फंगाई आर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज विद बॉडीज यूजली मेड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपे। फंगाई होता है, नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज होता है, विद बॉडी यूजली मेड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है किस तरीके का होता है, थ्रेड लाइक होता है, यानी एक धागे के आकार का ये होता है, जिसको हाइपे कहा जाता है। दे वर वंस कैटराइज एज नॉन ग्रीन प्लांट। ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, यानी बिना हरे भरे प्लांट होते हैं। हाउएवर दे आर नॉट प्लांट एज दे लैक क्लोरोफिल, इसलिए इनको प्लांट नहीं कहा जाता है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। सो दे के नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं। एंड हैव सेल वॉल डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल वॉल, और इनकी जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, वो प्लांट सेल से क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग होती है। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि किस पर निर्भर करती है, न्यूट्रिशन पर निर्भर करती है। फंगाई आर क्लासिफाइड एज सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, ये सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होते हैं, यानी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। फंगाई आर मोस्टली फाउंड इन बार्न एंड मॉइस्ट प्लेसेज, ये जो गर्म प्लेस होता है और जो नमी वाले प्लेस होते हैं वहाँ पे ये अधिकतर पाए जाते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंगाई आर ईस्ट, ईस्ट क्या है, ये एग्जाम्पल है फंगाई का, जो कि यूज इन बेकरीज में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद राइजोपस भी किसका एग्जाम्पल है, फंगाई का एग्जाम्पल है। एग्रीकस, जिसको मशरूम भी कहा जाता है, दिस इज फंगाई। एंड पेनिसिलियम, ये भी क्या है, फंगाई है। एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट को छोड़कर ऑल फंगाई आर मल्टी सेलुलर, सभी कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। एक्सेप्ट मशरूम, ऑल फंगाई आर माइक्रोस्कोपिक, क्या होते हैं, मशरूम को छोड़कर सभी को देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद नीचे दी गए प्रोटोजोआ। द वर्ड प्रोटोजोआ मीन्स लिटिल एनिमल्स, इसका मतलब होता है छोटे पशु या छोटे जानवर। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज एंड डेट हैव एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक, ये यूनिसेलुलर होता है, यानी एक कोशिकीय होता है, जिसमें जानवरों के गुण पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल का मीन्स होता है कि सेल के चारों ओर एक छिल्ली पाई जाती है, जो कि सेल को क्या करती है, बंद करके रखे हुए होती है, यानी उसको सुरक्षा प्रदान करती है, उसको सेल वॉल कहा जाता है। दे लैक क्लोरोफिल, इसमें भी क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन मूव अराउंड टू कैप्चर फूड, ये चारों ओर घूमता है क्या करने के लिए, अपने भोजन को कैप्चर करने के लिए। मोस्ट ऑफ देम आर हीटरोट्रॉपिक इन नेचर, कुछ कैसे होते हैं, कुछ स्वभाव से परपोषी होते हैं, यानी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। एज दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज, जो कि अपना पोषण किससे लेते हैं, अदर ऑर्गेनिज, यानी दूसरे जो जीव होते हैं उनसे ग्रहण करते हैं। सम ऑफ देम आर पैरासाइटिक सच एज प्लाज्मोडियम दैट कॉज मलेरियम, कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं जो कि कुछ बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं, जैसे कि मलेरिया। प्रोटोजोआ आर मोस्टली एक्वाटिक इन नेचर, ये एक्वाटिक भी होते हैं, यानी पानी में भी, जल में भी पाए जाते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ आर पैरामेशियम, ये भी किसका एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। इसके बाद दिया गया ट्राइपैनोसोमा एंड अमीबा, दे आर फाउंड इन कॉलोनीज, ये कॉलोनीज में पाए जाते हैं, यानी ग्रुप में पाए जाते हैं। इसके बाद वायरस, वायरस की बात करेंगे। वायरस आर एक्सट्रीमली टिनी ऑर्गेनिज डेट कैन नॉट बी सीन विद द सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है आकार में। दे कैन ओनली बी ऑब्जर्व बाय स्पेशल माइक्रोस्कोप कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। दे डू नॉट हैव एनी पार्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर डैट कंटेन सम जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कवर, इसमें कोई भी सेल का जो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, आकृति होती है, वो नहीं पाई जाती है। दीज माइक्रोस्कोप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लिविंग ऑर्गेनिज एंड नॉन लिविंग थिंग, ये जो वायरस होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज में भी, इनके अंदर लिविंग के भी गुण पाए जाते हैं एंड नॉन लिविंग के भी गुण पाए जाते हैं। आ वायरस बिहेव लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज, ये अगर किसी दूसरी
जीव के अंदर होते हैं तो इनको लिविंग कहा जाता है। इट रिप्रोड्यूस एंड कैरी आउट अदर लाइफ प्रोसेस इनसाइड द बॉडी बाय ऑफ अ होस्ट। ये जीव के अंदर रिप्रोड्यूस यानी प्रजनन और उसके साथ साथ अपनी जो अदर एक्टिविटी होती है लाइफ की वो भी कर सकते हैं, बट आउटसाइड द बॉडी, लेकिन जब ये बॉडी से बाहर होते हैं, इट बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग थिंग, ये नॉन लिविंग की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। एज इट डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, ये बाहर होकर कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं। देयरफॉर मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव डैट वायरस लाई ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अ नॉन लिविंग थिंग। इसलिए साइंटिस्ट ये मानते हैं कि वायरस बॉर्डर लाइन है किसका, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। मोस्ट वायरस आर हार्मफुल बिकॉज ऑफ देयर पैरासाइटिक नेचर, कुछ वायरस जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल यानी नुकसानदायक होते हैं। दे कॉज डिसीज, क्योंकि ये बीमारियां उत्पन्न करते हैं इन ह्यूमंस प्लांट एंड एनिमल, जानवरों में भी करते हैं, मनुष्य में भी करते हैं और पौधों में भी करते हैं। मोस्ट ऑफ अस हैव सफर्ड फ्रॉम फ्लू और कॉमन कोल्ड, कुछ वायरस क्या होते हैं, फ्लू यानी जुकाम खांसी भी उत्पन्न करते हैं। इट कॉज बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, ये किससे उत्पन्न होता है, जुकाम खांसी इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा। पोलियो, एवियन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया एंड स्वाइन फ्लू आल्सो कॉज बाय वायरस, ये भी किसके द्वारा होती हैं बीमारियाँ, वायरस के द्वारा होती है। प्लांट आर आल्सो इन्फेक्टेड बाय वायरस सच एच टोबैको मोशाइक वायरस एंड टोमेटो स्पॉटेड बिल्ट वायरस, यानी प्लांट में भी वायरस के द्वारा बीमारी होती है। कैसे, जो कि टोबैको का जो प्लांट होता है उसमें मोशाइक वायरस के द्वारा बीमारी होती है। टोमेटो में बिल्ट वायरस पाया जाता है। सम वायरस कैन बी इवन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, कुछ वायरस में क्या होते हैं, बैक्टीरियो को भी इन्फेक्ट करते हैं। दीज वायरस आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस, जिनको बैक्टीरियोफेजेस कहा जाता है। इसके बाद यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज, यानी कुछ हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड द प्रोटीन कैजिन प्रेजेंट इन द मिल्क कोजुलेट फॉर्म कर्ड। कर्ड यानी दही का निर्माण करने में क्या होता है कि इसमें भी बैक्टीरिया का यूज होता है। इसमें क्या होता है, जो लैक्टोबैसिलस होता है वो मेक द मिल्क एसिडिक, ये दूध को कैसा बना देता है, एसिडिक यानी खट्टा बना देता है। दिस कन्वर्ट लैक्टोज शुगर इन मिल्क टू लैक्टिक एसिड, ये क्या करता है, लैक्टोज शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। द प्रोसेस बाय विच द माइक्रो ऑर्गेनिक कन्वर्ट अ शुगर इन टू एन एसिड और एन एल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, यानी जिस प्रक्रिया में माइक्रो ऑर्गेनिज जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो शुगर को एसिड में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन यानी उबाल की प्रक्रिया कहा जाता है। इसके बाद मेकिंग ब्रेड, टोशा, इडलीस एंड ढोकला, इसको बनाने में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका यूज होता है। जैसे कि ईस्ट इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स सच एज ब्रेड, केक, इडली, डोसा एंड ढोकला। ईस्ट का प्रयोग क्या किया जाता है, ईस्ट का प्रयोग मोस्टली इनको बनाने में किया जाता है। मेकिंग एल्कोहलिक बेवरेज, कुछ एल्कोहल को भी बनाने में क्या होता है, ईस्ट का यूज होता है। ईस्ट इज आल्सो यूज इन ब्रेवरीज फॉर मेकिंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स सच एज वाइन्स एंड बियर्स बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। जो ड्रिंक्स होती हैं एल्कोहलिक जो ड्रिंक्स होती है, वाइन्स होती है, बियर होती है, इनको बनाने के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है। इन दिस प्रोसेस ईस्ट फर्मेंट द शुगर टू फॉर्म एल्कोहल, इसमें क्या होता है, ईस्ट किसको, शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट करती है। मेडिसिनल यूज में भी क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज का यूज किया जाता है। मेकिंग एंटीबायोटिक, माइक्रो ऑर्गेनिज सच एज फंगाई एंड बैक्टीरिया आर यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन कॉल्ड एंटीबायोटिक। फंगाई का और बैक्टीरिया का यूज एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। डेट ट्रीट डिसीज इन ह्यूमन, जो कि ह्यूमन में बीमारियों का उपचार करती है और साथ में एनिमल्स और प्लांट में भी उपचार किया जाता है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बाय यूजिंग द फंगस पेनिसिलियम। जो पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी वो थी पेनिसिलिन, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक्सीडेंटली का मीन्स होता है अचानक से ये निर्माण हो गया था, फंगस पेनिसिलिन का यूज करके इनने एंटीबायोटिक बनाया था। सम अदर कॉमन एंटीबायोटिक आज स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ये भी क्या है, एंटीबायोटिक हैं जिनका हम यूज करते हैं बीमारी से ग्रस्त होने पर। इसके बाद मेकिंग वैक्सीन्स, वैक्सीन कंटेन डिसीज कॉजिंग माइक्रोब डेट आर एदर डेड और वीकेंड टू प्रोहिबिट एनी डिसीजेस। वैक्सीन में क्या होता है कि इसमें किसी भी सूक्ष्म जीव को मारने के लिए क्या पाया जाता है,
एसिड पाया जाता है या किसी सूक्ष्म द्वारा उत्पन्न बीमारी को ख़त्म करने के लिए हम वैक्सीन का यूज करते हैं। व्हेन अ वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी ऑफ अ पर्सन, जब वैक्सीन को किसी पर्सन की बॉडी में लगाया जाता है, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो क्या होता है कि बॉडी में एक एंटीबॉडीज उत्पन्न होता है टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ दिस डेड और वीकेंड माइक्रोब्स, जिसके द्वारा क्या होता है कि वैक्सीन अंदर प्रवेश करते ही जो खतरनाक माइक्रोब्स होते हैं उनको नष्ट करती है। दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम द डिसीज। ये एंटीबॉडी व्यक्ति के शरीर में ही रहती है एंड प्रोटेक्ट करती है पर्सन को बीमारियों से। इन दिस वे द बॉडी डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब। इस तरीके से बॉडी क्या डेवलप कर सकती है, इम्यूनिटी पावर को डेवलप करती है, किसके विपरीत में, जो बीमारी होती है उसके खिलाफ। दिस टेक्निक इज रिफर टू एज वैक्सीनेशन, इसको वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण कहा जाता है। वैक्सीन ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज, वैक्सीन बीमारियों के लड़ने में भी हमारी हेल्प करती है, सच एज ट्यूबरक्लोसिस, डाइफाइथेरिया, हेपाटाइटिस एंड पोलियो। इन बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती है वैक्सीन। द फर्स्ट वैक्सीन वर डेवलप बाय एडवर्ड जेनर अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, जो पहली वैक्सीन बनाई गई थी वो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, किसके लिए, स्मॉल पॉक्स नामक बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आगे का चैप्टर पार्ट 3 में रीड करेंगे।